अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर राजधानी भोपाल में जगह जगह अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में बावड़िया स्थित डीके कॉटेज जन कल्याण समिति द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। रामायण पाठ के समापन के बाद सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को समिति के द्वारा LED लगाकर देखा गया। इसके साथ ही जन कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर तरुण सिंह चौहान के साथ तमाम पदाधिकारी ने मिलकर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और गौ माता का पूजन कर गौ माता की सेवा और सुरक्षा का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष मौजूद रहे, जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ आरती होने पर झूमते हुए नजर आए। हम लोग आज, जैसा आप जानते हैं, पूरा देश ही राममय हो रहा है, तो हम लोगों ने जब प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु लाला की, उस वक्त हम लोगों ने उस क्षण को अक्षुण बनाने के लिए कॉलोनी में यहीं पे जो पार्क है, यहीं पे हमने त्रिवेणी के रूप में पीपल, बरगद और नीम का वृक्षारोपण कर पर्यावरण रक्षा का संदेश दिया। साथ में हमने कन्या पूजन कर भ्रूण हत्या के विरोध में, जो भ्रूण हत्या हो रही है उन्हें रोकने के लिए, उसके संवर्धन के लिए मैसेज दिया है। इसके साथ जो हमने सबसे बड़ा गौ पूजन की है, गौ पूजन के माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो पूरे भारतवर्ष में गौ माता ऐसे ऐसे विचरती रहती हैं, हाईवे पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हुए उनका गौ संरक्षण होना चाहिए, गौशालाओं में उनको जगह मिलनी चाहिए ताकि किसान अपनी खेती भी कर सकें और जो गौ हत्या हो रही है एक्सीडेंट के माध्यम से वो रुक जाए। आप ये उत्साह मेरे पीछे देख रहे हैं, हर बच्चा देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, यहाँ हर जगह राममय हो रहा है, पूरा देश भगवा हो चुका है। आपने कैंपस किया, बाहर आए कि कोई खास बनाया? कैंपस में हमारे, चूंकि हमारे बिल्डर ने उसकी अनियमितताओं को हम लोगों ने उजागर किया था, उसकी वजह से उन्होंने क्लब हाउस बंद कर दिया और ये पूरे 4-5 कॉलोनियों का अधिष्ठान, डीके देवस्थली, डीके कॉटेज इनक्लेव का और खनुजा इनक्लेव, KN प्रधान, सबका कार्यक्रम है। तो अगर हमारे यहाँ क्लब हाउस बंद है, वहाँ कार्यक्रम कर ही नहीं सकते थे और पार्क बहुत छोटा है, तो इसलिए हम लोग ये बाहर कार्यक्रम कर रहे हैं। आपका नाम बता दें? हम डॉक्टर तरुण सिंह चौहान, डीके कॉटेज जन कल्याण समिति का अध्यक्ष।